आदित्य थोड़ा सा और स्ट्रेच करो, स्ट्रेट करो, वेरी गुड, थोड़ा सा और करो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर जल्दी ठीक होना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी लेग्स की। दादी वो मैं कह रहा था कि एडमिशन फॉर्म निकल गया है MIT के रोबोटिक्स बूट कैंप के लिए, तो मैं मतलब सोच रहा था उसे भर देता हूँ अब, मतलब टाइम है। तो वैसे भी तुम्हें कहाँ से जाना है, क्या करना है भर के? दादी मेरे फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, और वैसे भी मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मुझे सिर्फ फॉर्म भरना है। आदि पर मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं भी जाओ, ये मेरे फ्यूचर के लिए सही में बहुत जरूरी है, मुझे जाना ही है अब। मुझे पता है तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, और वैसे भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में। दादी आप तो बोलोगे ही कि मैं ना जाऊं, क्योंकि वैसे भी जब से माँ बाप गए हैं तब से आप मुझे कहीं जाने ही नहीं देते हो। आदि खाना खाओ, हम इसके बारे में वापस बात करेंगे। MIT में वैसे भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हम जैसों के लिए भी, अब तुम्हें लगता है कि तुम इस हालात में कहीं भी जा पाओगे, वो भी शहर के बाहर? आदि मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अगले साल 19 साल का हो जाऊंगा और मैं अपने डिसीजन अब खुद ले सकता हूँ। अब आप मुझे कब तक ऐसे यहीं पे बंद रखने वाले हो? खाना खाओ, हम बात करते हैं इस बारे में। तुम खाना छोड़ के जा रहे हो। अच्छा सुनो, मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। तुम्हारा खाना बनाने का मन कब करता है? क्या कह रहे हो, देखो ना वेदर भी कितना अच्छा है, बाहर से ऑर्डर करते हैं। बाहर से ऑर्डर? अपना जो काम कर रही है ना तुम कर लो, बॉयफ्रेंड को SMS कर लो, दिल की सारी बातें कर लो। बॉयफ्रेंड? मैं प्रेरणा से बात कर रही हूं। प्रेरणा? प्रेम को प्रेरणा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तुम शक कर रहे हो मुझ पे? शक? कल जब हम पार्टी में गए थे तो मुझे छोड़ के किसी पराये मर्द के साथ लगी हुई थी, मैं पीछे बैठा हुआ एम्बैरस फील कर रहा था, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या? मतलब कुछ भी, अगर मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, किसी भी आदमी से बात कर रही हूँ, तो उसके मतलब उसके साथ अफेयर चल रहा है, मतलब आई वॉन्ट डिवोर्स। तुम बहुत ही शक्की आदमी हो। डिवोर्स? क्या बात कर रही हो तुम? सुनो, डिवोर्स चाहिए तुम्हें, डिवोर्स। तुम पागल हो क्या? छोड़ मुझे। क्या है? आप क्या है?
एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। लाला 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 हाँ भाई, कुछ पता चला खून कैसे हुआ? नहीं सर, अभी कुछ नहीं। बॉडी अभी फॉरेंसिक में गई है, पर गले के निशान से लगता है गला दबा के ही मारा गया है। थोड़ा ढंग से चेक करो, काफी हाई प्रोफाइल केस है, हमारे डिपार्टमेंट के एक सीनियर का ही है। मॉर्निंग सर। और बुमकेश बख्शी की औलादों, कैसा केस चल रहा है? कहाँ तक पहुंची इन्वेस्टिगेशन? सर अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला, पर एक विटनेस का पता चला। विटनेस? अच्छा, चलो देखते हैं। और तेरे बैच को क्या हुआ? हाँ सर, वो घर पर ऐसे ही। विक्रम त्यागी, हाँ इज्जत है ये, इज्जत संभाल के रख। चल जी। बस 5 मिनट की बात है। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। कहाँ जा रही हो बेबी? दादी नमस्ते। कैसी हैं? मर्डर वर्डर तो होते ही रहते हैं। पहले ये बताइए स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है। अरे आपकी उम्र, बच्चा आपका पाहिज, कमजोर, कहाँ फंस गए ये सब पचड़े में। खैर अब हम आए हैं तो कार्रवाई तो करनी पड़ी, पुलिस है मेरी, क्या करें। बच्चा है वो। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे हैं, क्या कोइंसिडेंस है। ओ ब्रजेंद्र, ओ बच्चे को बुलाइए। हो जी सर। बड़ा ही होनहार बच्चा, बड़ा ही होनहार। और आदि कैसा? बस बढ़िया भैया। बस मैं तो ठीक हूँ, बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। तू बता कैसा चल रहा है लाइफ में? आजकल तो सब कुछ बहुत स्लो है, बहुत कुछ भी नहीं चल रहा था। ठीक है बस। मैंने सुना तेरी दादी से बहस हो गई। मैं, आप जानते ही हैं, मैं MIT में रोबोटिक्स के लिए पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। देख दादी अपनी जगह ठीक है, तू अपनी जगह ठीक है। दादी को तेरी फिक्र है इसलिए कह रही है, अब तेरे को प्रोग्रेस करना है, ये भी मैं समझ सकता हूँ। देखो पता है ना, अमेरिका जाएगा, वहाँ कंट्री दूसरी होगी, लोग दूसरे होंगे, डॉर्मेटरी दूसरी होगी, वहाँ पे ऐसा घर जैसा केयर नहीं मिलने वाला तेरे को। यही सेम बातें सारे दादी भी बोलती हैं, आप उनका सेम रेडियो टेप चल रहा है, मैं सबसे यही सुन रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं यहीं पे बंद रह जाऊँ, कहीं ना जाऊँ? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा तेरे को यहाँ रुकना पड़ेगा। तू मेरे साथ आ विजैक में, तेरे ऐसे लोग बहुत है वहाँ पे, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। तुझे रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है ना? हम रोबोटिक्स में ही काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, AI, एल्गोरिथम। विजैक ज्वाइन करने की बात कर रहा हूँ। तूने टॉप भी किया था ना 12th में, तो तेरे ऐसे स्टूडेंट की हमें जरूरत है। कॉलेज की डिग्री की टेंशन मत ले, वो साइड बाय साइड तू कर लेगा, मुझे पता है। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मुझे काम नहीं करना, ये मेरी पढ़ने की उम्र है। आई एग्री। और आप जानते हैं MIT कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। आई नो, लेकिन यहाँ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज तेरे पास, साथ में अर्न भी कर पाएगा तू। तेरे पर प्रेशर नहीं होगा काम का, मैं हूँ ना, मैं मेरे अंडर काम करेगा तू। तेरी वर्क लाइफ स्टडी लाइफ दोनों बैलेंस कर देंगे हम यहाँ पे। देख ले यार, तेरी लाइफ है यार, लेकिन डिसीजन तेरे को अभी लेना पड़ेगा ताकि लेट ना हो। आई नो दादी तेरे पर रूड हो रही है बहुत, बट उनका भी पॉइंट कुछ हद तक ठीक है। कुछ नहीं होगा।
आदित्य, रोहित। हाँ तो तुमने कल रात को कॉल किया था पुलिस स्टेशन में? हाँ हाँ हाँ, कल मैंने किया था। तुमने एक मर्डर विटनेस किया था? तो ये कितने बजे हुआ था और तुम कहाँ थे उसको? उस वक्त मैं अपनी बालकनी में ही था और मैं फोटोग्राफी कर रहा था, और मैंने दो लोगों को जाते हुए देखा था। कपल थे वो और उन्हें कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, और फिर उसके बाद उस आदमी ने उस लड़की का गला दबा दिया। गला दबा दिया? तो तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई सबूत है? सर, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। सर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तुम सनम सातो जनम मिलते रहे हो जैसे। सर, बात चल रही है उससे मेरी। अबे सीनियर कौन है? इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा, ठीक है? चल। और आदित्य, चोर पुलिस चोर, खेलने का बड़ा शौक है तुम्हें? नहीं ना, ये दुनिया ना गोल है, गोल गया ना। हम दोनों कुछ बताया तो नहीं उसे? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया ना? कुछ नहीं बताया सर। कुछ नहीं बताया? अच्छा, ये तो तुझे भी गोल कर देना, मालूम ना मैं कैसा हूँ। सर क्या चल रहा है? अरे इंट्रोडक्शन, बातचीत, क्या है ना, हम बातचीत कर रहे थे ना। देख पूछ इससे, बातचीत करने से सब कुछ होता है। अरे आंखें देख इसकी यार, बिल्कुल हीरो बंदा है। किलर की फोटो बिल्कुल छप गई है। और कुछ है तेरे पास? नहीं सर, मैं कुछ है मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। कुछ नहीं है इसके पास, टाइम वेस्ट है यार। चल चलते हैं, बाय। चलते हैं। बारिश तेज हो गई? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुई। तो तुमने एजेंसी कब ज्वाइन की? बस यही 2 साल पहले, हालात कुछ ऐसी थी। अच्छा, आपके यही रहते हो आदित्य के साथ? नहीं, मेरे को दादी ने अर्जेंटली बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ। इन्वेस्टिगेशन हो गई ठीक से? बस चली रही है, पूछताछ हो गई, लेकिन आदित्य कुछ बता नहीं रहा है। बहुत हेल्पलेस फील करता है अपने आप को वो। मेरा कज़न जो है बहुत हेल्पलेस फील करता है। जब वो 6 साल का था तब उसके मॉम डैड एक एक्सीडेंट में गुजर गए, और आज जो उसकी ये हालत है इसी वजह से, तब से वो मतलब एक ही जगह घर में ही बैठा रहता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता। तो मैं चाहता हूँ आपकी मदद करे, बट वो अभी थोड़ा सहमा सा हुआ है, डरा हुआ है। अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर रुक के जाना।
सीनियर कौन है, इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगा, ठीक है चल। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कुछ नहीं है इसके पास, टाइम वेस्ट है यार, चल चलते हैं, बाय। रोहित सर। विष्णु मैं कह रहा था कि आदित्य अपने कंडीशन में बाहर जा सकता है। क्यों? उसके पास कुछ एविडेंस है, मैं श्योर हूँ कि अगर वो बात करे मुझसे बस कुछ वक्त के लिए तो हम दोनों मिलके केस सॉल्व कर पाएंगे। आपने कहा था काफ़ी हेल्पलेस फील करता है, तो आज उसके पास एक मौका है। विष्णु बस एक घंटा। यहाँ बैठो, मैं आता आदित्य, दरवाजा। कॉफी। थैंक्स। काफी क्लोज हो तुम अपने दादी से? हाँ, उन्हीं के साथ ही रहता हूँ 24 घंटा। मैंने काफ़ी प्रोटेक्टिव है वो, जब से उन्होंने मुझे गोद लिया है तब से वो ऐसी हैं। गोद लिया? हाँ, असलियत ही थोड़ी है वो मेरी। तुम्हें पता है मुझे भी गोद लिया गया था। अच्छा। मेरे डैड एक मरीन इंजीनियर थे और वो चाहते थे कि मैं भी उनके तरह ही बनूं। तो तुम बने क्यों नहीं मरीन इंजीनियर? 4 साल पहले हम एक हाईवे में जा रहे थे और एक ड्रंक ड्राइवर था, वो ट्रक चला रहा था और उसके साथ हम लोगों की एक्सीडेंट हो गई। मैं तो बच गया लेकिन मेरे पेरेंट्स, एक विटनेस था उस केस का जिसने आखिरी मोमेंट पे बोल दिया कि उसने कुछ नहीं देखा, केस ड्रॉप हो गया, छूट गया वो। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जस्टिस चाहिए, ऐसे नहीं चलता, ये सिस्टम करप्ट है। तुम्हें पता है एक इंसान के बोलने पे ना काफ़ी जाने बच सकती है। मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूँ। Thank you.
एक चीज नहीं चलती यार ठीक से। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो। डेडिकेशन। और मल्होत्रा क्या चल रहा है? तेरा ऑफिस तो ऊपर है, तू नीचे क्या कर रहा है? वीडियो गेम खेल रहा है क्या? नहीं, मैं कुछ चेक कर रहा था। चेक कर रहा था? केस पे ध्यान लगाओ, ध्यान, ठीक है? और तुम्हें तो मालूम है यार, मेरी वाइफ का केस है। तुम्हें मालूम है ना, पुलिस और क्राइम ब्रांच का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। कहाँ तक पहुँचा के? दो दिन से पता नहीं क्या काम कर रहे हो, टाइम का कुछ पता ही नहीं है। सर, इन चीज़ों में वक्त लगता है। हम कोर्स अभी ज्वाइन किए हैं क्या? हमको समझा रहे हैं आप हैं? हमको समझाइएगा, जल्दी रिपोर्ट बनाइए, समझे? और ये बताना, कुछ ये गवाह हुआ कुछ मिले या नहीं? जान वान कुछ किसी का आया या नहीं? नहीं सर, किसी ने भी नहीं देखा। यही तो प्रॉब्लम इस कंट्री की, जो स्पॉट होता है वहाँ कोई होता ही नहीं है। और बताओ यार, सुबह के 4 बजे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? 4 बज गए? हाँ हाँ, 4 बज गए। असली में क्लॉक नहीं चल रहा था तो वक्त का पता ही नहीं चला। क्लॉक नहीं चल रहा? अच्छा, मेरे जेम्स बॉन्ड लैपटॉप पर टाइम तो चल रहा है। फिल्में देखता तो कुछ तो बोल भाई, चलचित्र चलचित्र। ब्योमकेश की मूवीज मुझे बहुत पसंद है, उसका स्टाइल, वो क्लेवरनेस, वो सब कुछ मुझे बहुत पसंद। उसकी तरह बनना था मुझे यार। यार तू कहाँ समझेगा, तू अपनी आंखें फोड़ रहा है कंप्यूटर में। घर जा भाई, सुबह के 4 बजे, गर्लफ्रेंड से मिल, आराम कर, घर जा। जाना बिल्कुल सर। इसको क्यों बंद कर रहा है? अबे 2 घंटे बाद तो आना ही है, काम वही करना ही है, तुझे आंख फोड़ना ही है। जा भाई जा, जा। पेन ड्राइव।
नमस्ते दादी जी। आप? वो वॉलेट भूल गया था ऊपर, ले आओ, बस 2 मिनट लगेगा। आइए आइए। आ जाऊँ? थैंक यू सो मच। जाने जान ढूंढता फिर रहा। पूरा डायरेक्टर बने हुए हैं। पूरा घर में ढूंढे, आप यहाँ बैठे हो। अरे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घबरा के? इतना घबराइए मत, पुलिस वाले भी अच्छे इंसान होते हैं भाई। अरे क्रच, कहाँ भागोगे? डर गए क्या? इससे मजा नहीं आएगा, अभी याद दिलाता हूँ आपकी असली मजा। आपको हेडक्वार्टर्स से बुला रहे हैं। हेडक्वार्टर्स? हाँ। तू भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है यार। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई,
आप आए हैं तो चाय पी के जाइएगा। अरे दादी जी नमस्ते, क्या एंट्री है। चाय तो अब हम बाद में ही पियेंगे और आपसे मिलने जरूर आएंगे। चलिए आजा 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 आजा, कुछ नहीं रखा इसमें। नमस्ते। पे ले ले रोहित, कुछ बात करनी है। रोहित मैं तो तेरे को बच्चा समझता था बे, तू तो बोमकेश का भी बाप निकला। खैर चल एक बात बताता हूँ तुझे, मेरे रास्ते का काटा मत बन, मेरे रास्ते से हट जा, मैं तो मसल के रख दूंगा तुझे। चल एक ऑफर है मेरे पास तेरे लिए, केस के बाद 2 लाख। चले 2 लाख सिर्फ, तो बार्गेन क्या बात। एक फोन लगाऊंगा, नौकरी चली जाएगी अभी। चार लाख काफी है तेरे लिए। पांच लाख, एक रुपया नहीं उसके बाद, एक रुपया नहीं उसके बाद, ठीक है। 5 लाख काफी है। दो दो क्या दो? दो जान चाहिए वापस, मिलेगा? दो जान, वो बक क्या रहा है तुझे, क्या चाहिए तुझे? एक रात एक पुलिस वाला जा रहा था अपने जीप में दारू पी के, और उसकी एक कार से टक्कर हो गई। एक कार जिसमें पूरी परिवार थी, माँ बाप, उनका बच्चा, बच्चा तो बच गया लेकिन उसके पेरेंट्स। केस कोर्ट में गया लेकिन जो विटनेस था उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि उसको खरीद लिया गया था। खरीद लिया गया था, तुम इसे कैसे जानते? केस ड्रॉप हो गया और जो बच्चा था वो अनाथ रह गया। 6 महीने बाद उसने फोर्स ज्वाइन किया। अच्छा तू है मल्होत्रा फैमिली से, तभी कहूँ तू मेरे पीछे कुत्ते की तरह क्यों पड़ा हुआ साले। अच्छा होता उस दिन तुझे भी तेरे माँ बाप के साथ खत्म कर देता। सर तुझ जैसे कमीनों को जिंदगी जीने जी नहीं देते। हाँ अब जा अपने माँ बाप से मिल, जाओ उधर।
बेटा विष्णु, विष्णु कहाँ है तू अभी? बस ऑफिस जा रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ। क्यों, क्या हुआ? आदित्य मुझ पर चिल्लाकर घर से बाहर चला गया, मुझे तो बहुत ही चिंता हो रही है। कह रहा था किसी को एविडेंस देने जाना है। अरे वो रोहित से मिलने गया होगा, आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक ही होगा। लेकिन उसकी कंडीशन में बाहर जाना उसके लिए ठीक नहीं है, बहुत देर हो गया उसे, अभी वो अभी तक आया भी नहीं है। विष्णु, दादी मैं आपको 2 मिनट में फोन करता हूँ बस, ठीक है? 2 मिनट बस। पुनीत, एक नंबर सेंड किया, जल्दी ट्रैक कर। एक मिनट सर, ये नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। अबे तुम लोगों को इस चीज के पैसे मिलते हैं? यार मैं बस तेरे को ये बता सकता हूँ कि लास्ट लोकेशन क्या है। हाँ लास्ट लोकेशन सेंड कर इसी नंबर पे। बाय। कोई है? कोई है? कोई तो है, पहचाना? सोचा था तेरे हाथ पैर बांधू, लेकिन तू जाएगा बेटा ये साधा तुम्हें। हाँ अरे इतना डर क्यों रहा है? डर मत, क्या हो, क्या देख, पैसा की चाहिए? दूंगा भाई दूंगा, तेरा सहारा बनूंगा मैं। आखिर तुझे पूरी जिंदगी तो सहारे के साथ ही चलनी है। अभी सहारा, आगे भी सहारा, क्या करेगा तू? दर्द हो गया, दर्द हो गया। अच्छा ठीक है, तो कहाँ जा रहा है तुझे? किसके पास जा रहा है? किसके पास जा रहा है? अरे हाँ तेरा दोस्त रोहित के पास तो नहीं जा रहा? रोहित? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं जाना? लेके चलता हूँ मैं। क्या हुआ? फिर से कर रहे? अरे घबरा मत, मैं हूँ ना, मैं तुझे ले चलूँगा जन्नत की सैर। जन्नत तो मुझे भी मार सकते हैं। मार डालूँगा। अरे यार मारना बचाना दोनों ऊपर वाले के हाथ में। मैं कौन? वैसे भी तेरी जिंदगी कितनी है सहारे की जिंदगी, अपाहिज। तूने अपनी जिंदगी देखी है? एक नाली के कीड़े से भी बदतर है, समझा? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने ना कुछ देखा है, मैं बोलूंगा मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? पक्का? पक्का। किस किस पे भरोसा करो यार? बीबी से प्यार किया, उसने किसी के साथ अफेयर चला दिया। रोहित पे भरोसा किया, वो तो मेरी जान के पीछे ही पड़ा हुआ है। और तू, तेरे पे तो एक पैसे का ही भरोसा नहीं है मुझे। जन्नत की सैर, जन्नत।
मुझे। अब हम खेलेंगे बैट बॉल। नहीं, ये इसी लायक है। हम ऐसा नहीं कर सकते, खून ही नहीं है हम। ये छूट गया तो फिर से तेरे को मारने आएगा। मेरे फिर हम में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। नहीं प्लीज भैया, छूट जाएगा यार। मेरे पास प्रूफ है, रोहित जाने से पहले दे गया था। सब इंस्पेक्टर विक्रम त्यागी वॉज अरेस्टेड टूडे एट 8:30 AM। ही इज एक्यूज्ड ऑफ मल्टीपल होमिसाइड। One of the victims was his wife, Mrs. Tanvi Tyagi, and the other was a 21-year-old junior detective, Rohit Malhotra. Tyagi is also being accused for abducting a physically challenged boy, Aditya Verma. The case was reported by newly promoted sub-inspector, Mr. Vijendra Singh. ये काफी शर्मनाक बात है हमारे लिए। मैं त्यागी सर को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन वो मेरे सीनियर थे और मैंने उनसे काफी कुछ सीखने की उम्मीद रखी थी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आदित्य और उसके परिवार से माफी मांगना चाहूंगा, और मैं उसको शुक्रिया भी कहना चाहूंगा क्योंकि उसका तन्वी त्यागी केस सॉल्व करने में काफी बड़ा योगदान था। बट वंस अगेन वी आर सॉरी फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। बहुत अच्छे आदित्य, बहुत अच्छे आदित्य, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहोगे तो 2-4 महीने में ठीक हो जाओगे। विष्णु जी पहले से बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बस स्लो स्लो स्लो, धीरे धीरे, वेरी गुड। ओके आदित्य, ध्यान रखना अपना, चलता हूँ मैं। ओके विष्णु जी। ओके जी, थैंक यू, निकलता हूँ मैं। थैंक यू सर, मिलते हैं अगले सोमवार को। बाय बाय। सुना तूने, काफी जल्दी रिकवर हो रहा है। सही है, अच्छी बात है यार। अब तो लग रहा है मेरे से पहले तू ठीक हो जाएगा। ये तो है। तो आगे के क्या सोचा है? अभी तो मैंने कुछ खास नहीं सोचा है, बस यही है कि रिकवरी पे पूरा फोकस है। हाँ यार, अभी तो यही तो मैंने रेस्ट ही कर। सही यार, तो फेमस तो बहुत हो गया, न्यूज व्यूज आने लग गया, काफी न्यूज आई है, बड़ा मामला हो गया यार। चल ये देखें, ये मेरा कुछ आया।
दादी को तेरे से कुछ बात करनी है। दादी ये क्या है? तेरे को जाना था ना, तो चला जा। दादी मैं भी यही रहना चाहता हूँ। मगर ये तो तेरा सपना है, तुझे जाना भी चाहिए इसके लिए। मैं भैया के साथ ही काम कर लूंगा, काम सीख लूंगा उनके साथ। एक बार फिर से सोच ले आदि। दादी अब मैंने सोच लिया है, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ।